जी, कल जैसे विधानसभा हिमाचल प्रदेश के मतगणना होनी है 8 दिसंबर को, तो हमारी 68 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 68 हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं और 59 लोकेशंस हैं डिफरेंट जहां पे कि ये काउंटिंग होगी। मतगणना के लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। काउंटिंग हॉल्स जो हैं वो सेटअप कर लिए गए हैं, उनकी टेबल्स, उनकी बैरिकेडिंग, फ्लो ऑफ ईवीएम्स एंड पोलिंग काउंटिंग पर्सनल, काउंटिंग एजेंट्स कहाँ से आएंगे, क्या सिक्योरिटी कॉर्डन रहेगा, वो सारी तैयारियाँ कंप्लीट हो गई हैं। हमारा जो काउंटिंग स्टाफ है उसकी फर्स्ट रैंडमाइजेशन 1 दिसंबर को हो गई थी और सेकेंड रैंडमाइजेशन 6 दिसंबर को हो गई है। ऑब्जर्वर्स जो कमीशन के हैं वो भी आ गए थे, उनकी प्रेजेंस में सेकेंड रैंडमाइजेशन हुई है। फर्स्ट रिहर्सल जो काउंटिंग पर्सनल की, वो 2 और 3 दिसंबर को रखी गई थी और सेकेंड रिहर्सल आज 7 दिसंबर को चल रही है। इसके अलावा जो हमारे जो ETPBS हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स फॉर सर्विस वोटर्स या डिफेंस पर्सनल, उसकी भी हम लोगों ने ट्रेनिंग और उसकी टीम्स की ट्रायल रन वो भी करा लिया है। और एक जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनकी काउंटिंग के लिए जो टेबल्स लगेंगी उनके लिए AROs भी डिप्लॉयड हैं इंडिपेंडेंटली, और उनकी भी ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स वगैरह जो हैं वो करा ली हैं। तो इसी प्रकार जो है सभी तैयारियां जो हैं कल की काउंटिंग के लिए। अभी तक जो हमारे पास जो अभी तक फिगर्स आई हैं उसके आधार पर जो हमारा ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बन रहा है, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज ऑफ वोटर्स एंड सर्विस वोटर्स ऑल्सो, वो 75.72% बन रहा है। और जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट है वो लगभग 42 लाख के ऊपर हमारा चला गया है। ओवरऑल इलेक्टोरेट आपको पता ही है 55,92,828 था, और अभी हमारा जो फाइनल फिगर्स हैं वो हमें कल ही पता चलेगी क्योंकि अभी भी हमारे पास पोस्टल बैलेट जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे 3 कैटेगरीज ऑफ पोस्टल बैलेट्स हैं इस बार, और कुल मिला के 1,10,000 के आसपास ये रिसीव हो गए हैं, 1,12,000 एक्चुअली। और इसमें जो हमारे 38,000 तो वो थे जो एब्सेंटी वोटर्स के, जिनके पोलिंग के पहले ही हो गए थे 80+ और PWD वोटर्स के लिए, और हमारे लगभग 52,859 जो हैं वो इलेक्शन ड्यूटी पे जो पर्सनल थे वो उनके हैं, लगभग 87% वो आ गए। और इसके अलावा जो हमारे जो सर्विस वोटर्स हैं डिफेंस पर्सनल के, वो हमारे लगभग 21,700 प्राप्त हो गए हैं। टोटल जो अगर हम देखें तो हमारे ऑलमोस्ट 1,28,000 थे सब मिला के, और हमारे पास ऑलमोस्ट 75,000 प्राप्त हो गए हैं। कुछ जगह से ऐसी आई थी और उसके लिए जो रिस्पेक्टिव DOs के पास कुछ कंप्लेंट्स आई थी और उनकी इंक्वायरी भी उन्होंने की है और नेसेसरी एक्शन उसमें लिया जा रहा है। वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे अगर हम 2017 इलेक्शन से कंपेयर करें तो इस बार हमारे जो पोस्टल बैलेट्स हैं जो पर्सनल ऑन इलेक्शन ड्यूटी के लिए वो उसमें लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। और सर भी ROs की जो और उनके जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग्स कराई है कि जैसे ही रिजल्ट राउंड वाइज कंपाइल होता है और अनाउंस होता है तो वो कमीशन का जो पोर्टल है Encore उस पर अपलोड करें, उसके ट्रायल रन्स भी हो गए हैं, और जैसे ही वो राउंड वाइज रिजल्ट्स Encore पे अपलोड करते हैं तो कमीशन की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और उसका लिंक है results.eci.gov.in, उस पर देख सकते हैं, या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप पे डाउनलोड करके रिजल्ट्स पे क्लिक करके वो जो है राउंड वाइज रिजल्ट्स देख पाएंगे।